لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الملك
سبحان الله عما يشركون هو الله سبحان هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी अवैसी दामत बरकातुल कुदसिया अपने हाजिरे लगवा रहे थे। अल्लाह करीम इनके इल्म व इरफान में बरकतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको कुरान करीम सुन सुना कर पढ़ पढ़ा कर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम जल्लाहु शानहू का कलाम पढ़ा है, दिलों को सूरे हशर पड़ी है, आलमे दिन बैठे हुए हैं, आलमे दिन का चेहरा भी देखना इबादत है, आलमे दिन का सोना भी इबादत है। तमन्ना है कि इस दुनिया में काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत कुरान कर जाए। उसी अनवान पर ला रहा हूँ और अनवान पर लाते हुए मुख्तसर सी मेरी कहानी है। अरे जो कुछ भी हुजूर की मेहरबानी है। मैंने कहा है पेट्रोल आपने डालना है, गाड़ी इस्माइल साहब ने चलानी है और मक्के मदीने के लिए कारी साहब ने आगे बैठना है और हमने इनके पीछे पीछे इंशाल्लाह बैठ के मक्का पाक भी जाना है, मदीना पाक भी जाना है। और जिसने पाकिस्तान की यानी रहना है सत्ता ज़मीन पर वो ना बोले, और जिसने मक्का पाक से मदीना पाक की सर जमीन पर जाना है वो बोल दे। बड़ी मेहरबानी अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान, बोला इस कुरान की बरकतों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। वज़य्यन अखलाकना बिल कुरान, ऐ मौला कुरान की बरकतों से हमारे इखलाक को अच्छा फरमा।
वनचीना मिना नारी बिल कुरान। ए मौला, इस कुरान की बरकतों से हमें जहन्नम से छुटकारा अता फरमा। वाद खिलना फिल जन्नत बिल कुरान। हुसैन पाक को मानने वालों, अलहम से लेके वन्नास तकर कुरान को पढ़ने वालों और हुसैन के कुरान नेजों पर चढ़कर और नेजे से उतरकर वला तखसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यामल ज़ालिमून, हर किस अल्लाह को ना जानना जालिमों के बेखबर होने से। अरे हुसैन पाक जब आए थे फिर भी मुस्तफा का कुरान पढ़ते थे। अरे जब शहादत हो गई, तफसीरों के अंदर मौजूद है, अरे वह भी कुरान पढ़ कर के कत्ले हुसैन, असल में मर के यजीद, इस्लाम जिंदा होते हर करबला के बाद। बंदे खुदा का हो, उम्मती प्यारे नबी का हो, अरे हुसैन का गुलाम हूँ, खातम अली का बैत है मेरी अमीर अहले सुन्नत से, हल्का बगोश इसी कामिल वली का हूँ। अरे हमको सारे औलिया से प्यार है, इंशाल्लाह अपना बेड़ा पार है। आखिरी बात आला हजरत की करनी है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने अतमे फतवा रिजविया के अंदर लिखते हैं, जो सैयद ज्यादा हो मगर हो प्योर सैयद, लल्लू पंजू ना हो, प्योर सैयद हो, मुस्तफा की आल में से हो। आला हजरत ने कलम तोड़कर फतवा दिया, आपने फरमाया मुस्तफा की आल का एहतराम करना। यह जुमला पूरा अंदर सुभान अल्लाह कहनी है, हुसैन पाक का जिक्र है, आला हजरत ने कहा मुस्तफा की आल का एहतराम करना। दर हकीकत मोहम्मद मुस्तफा का एहतराम, खुद भूखे रहकर औरों को खिला देते थे। अरे कैसे सखी थे मोहम्मद के कराने वाले। इसी अशार पर मेरी मुराद मेरे बुजुर्ग अलहाज बुलबुल बाग़ मदीना मदाए हबीब हबीब लबीब के मकबूल सना खान, जो माशाल्लाह दरबार पर भी और किबला शाह साहब को भी सुनाते रहे हैं। मेरी मुराद हाजी मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब आते हैं और तीन अशार के लिए हुक्म हुआ है मुझे कि इंशाल्लाह तीन अशार पढ़कर हुजूर की सना खानी में अपना हाजरीन लगवाएंगे। उनकी आमद से पहले एक नारा लगाना है, नारे तकबीर नारे रिसाला नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत हुसैनियत यजीदियत कत्ले हुसैन, असल में मर के यजीद, इस्लाम जिंदा होते हर करबला के। हाजी मोहम्मद सलीम चिश्ती। दुर्द पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए दिल यार दा नजराना ले यार दे को लाए, ए दिल यार दा नजराना ले यार दे को लाए, ले यार दे को लाए, महबूब दी मर्जी गल लावे या ठुकरावे, ए महबूब दी मर्जी है
गल लावे या ठुकरावे और जन्नत दी नहीं ख्वाहिश मौलाए तमन्नाए मौलाए तमन्नाए सरकार दे कदमा विच मेरी जान निकल जावे सरकार दे कदमा विच मेरी जान निकल जावे और कौन ननू समझावे कैन अपने जया अपने जयानो अज दे कालियां जुल्फां दे रब आप कसम खावे अज दे कालियां जुल्फां दे रब आप कसम खावे और नाल अपने उड़ा ले जा मेरे अथरू हवाए नी मेरे अथरू हवा महबूब न रो आखी हुण होर न तरसावे महबूब न रो आखी हुण होर न तरसावे दिल यार दा नजराना ले यार दे कोल आए ए महबूब दी मर्जी ए गल लावे या ठुकरावे और विच कब्र दे मजावे सरकार जफर मामन सरकार जफर मामन ले आओ सलीम एक नात सुना जावे ए दिल यार दा नजराना ले यार दे कोल आए महबूब दी मर्जी ए गल लावे या ठुकरावे माशाल्लाह जी।
हाजी मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब ने हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह के अंदर अपनी हाजिरी लगवाई। मालिक के कायनात इनके इल्म व अमल में बरकतों का नजूल फरमाए। सहाबा का गदा हूँ, अहले बैत का खादिम हूँ, करीमी साहब सहाबा का खादिम हूँ, सहाबा का गदा हूँ, अहले बैत का खादिम हूँ, ये सब आपकी ही है तो अनायत या रसूल अल्लाह। बात मुझे आ गई, सब की बारगाह में एक एक हाजिरी लगवाने, सदीक अकबर फरूक आजम उस्मान मौला अली की बारगाह में हाजिरी लगवा के बला को दावत। सदीक अकबर के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मैंने सबका हक अदा कर दिया। ए मेरे सहाबा गवार है ना, मैंने सबका हक अदा कर दिया सवाए सदीक अकबर के। सदीक अकबर का हक क्यामत के दिन मेरा रब अदा करेगा। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा और खुदा का रसूल बस। कौन सदीक अकबर? तफसीर रूहुल बयान की हदीस है, नजरु इलैका इनफाकु, फरमाया नजरें मेरी हो। सदीक अकबर फरमाते हैं नजरु इलैका इनफाकु, नजरें मेरी हो, करीमी साहब मुखड़ा मुस्तफा का हो, माली अली का जुलूस हो, माल मेरा हो, अरे निशावर मुस्तफा पर कर दो। बैना यदई का बात आ गई ना मुझसे रिसालत की, बैना यदई का, अरे जिंदगी मेरी हो कुर्बान मोहम्मद, इज्जत से ना मर जाए हम नाम है मोहम्मद पर। और वैसे भी तो दुनिया से एक दिन तो जाना है। दूसरी बात, फरूक आजम की जब बात आई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया हर नबी का कोई ना कोई, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। और जब तीसरी बात आई उस्मान गनी की, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जन्नत जी मेरे गुलामों, मेरा सदका खान वाले याद रखियो, जन्नत जी हर शख्स का कोई ना कोई सज्जन, कोई ना कोई यार, कोई ना कोई रफीक, कोई ना कोई बेली, कोई ना कोई ख्याल रखन होला होएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जदाकल्ला, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरा लोगो जन्नत में मेरा रफीक मेरा दोस्त उस्मान गनी होगी। फरमाया अल हया मिन अल ईमान, लोगो जिसकी हया जाती रही उसका ईमान जाता रहा। फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा उस्मान गनी हया करने वाले। और जब मौला अली की बारी आई, आओ करेजों को ठंडा करने वालों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया मन खुद मौला फहाद अली मौला, ये जुमला दुराना मेरे साथ, मन खुद मौला फहाद अली मौला, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसका जिसका मैं मौला उसका उसका अली मौला, और मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं इलम का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अरे कौन अली? अली वो है काबा जिसका एहतराम करे, और सुभान अल्लाह ते बोलो, अली वो है काबा जिसका एहतराम करे, फातिमा वो है जिसका इस्तकबाल नबियों का इमाम करे, हसन वो है खुदा जन्नत जिसके नाम करे, बोलो जरा हसन वो है खुदा जन्नत जिसके नाम करे, हुसैन वो है जो सर कटाकर तलावत कुरान करे, अरे मोहम्मद का घराना वो है जिसकी तारीफ अल्लाह का कुरान करे, अरे मोहम्मद का आशिक वो जो इस बात को हुसैन पाक का लंगर खाने वालों। आखिरी बात, सूफिया की दावत देकर करीमी साहब को दावत दूंगा। हुसैन पाक के अंदर चार हरूफ हैं, हकीम अब्दुल हई साहब के मजार पर जाना, वहां अल्लाह वाले बता देंगे हे सीन ये नू, अल्लाह वाले फरमा देने हे से बनता है हुस्ने मुस्तफा। मेरे ख्याल है लेट जाना मक्के मदीने, हे से बनता है हुस्ने मुस्तफा, सीन से बनता है कारी साहब सूरत मुस्तफा, या से बनता है याते मुस्तफा, अरे नून से बनता है नूरे मुस्तफा, है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, कतले हुसैन असल में मर के यजीद, इस्लाम जिंदा होते हैं करबला के बाद। इसी अनवान से उस्ताद नान खान बुलबुल माके मदीना मदाए हबीब हबीब लबिक मकबूल सना खान, मेरी मुराद जो उस्ताद उलमा किबला हजरत अल्लामा गुलाम हैदर खादमी साहब को और हाफिज मोहम्मद आलम साहब को किबला शाह साहब को सुनाने वाली हस्ती, बड़ी खूबसूरत उलमा का एहतराम करने वाली हस्ती अलहाज खालिद मोहम्मद जवेद करीमी साहब आते हैं, अल्लाह इनको हाजी भी बना देगा इंशाल्लाह। दुआ करती है हुसैन पाक की नात पढ़ेंगे,
मेरी मुराद आप तशरीफ लाए खालिद मोहम्मद जावेद करीम साहब और हुजूर के जिक्र पाक से हमारे दिलों को मनवर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। अपनी हादरे लगवा रहे थे, मदीने की बात कर रहे थे, मदीना कहने से 50 नेकियां मिलती हैं। मक्के मदीने अल्लामा साकिब शहजाद कादरी साहब के साथ जाना है तो माशाल्लाह ये तो आपके खतीब साहब हैं, फिर है भी आलम दीन और है भी पढ़े लिखे, तो फिर जाना है ना मदीना कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 50। कितनी कितनी नेकियां मिलती हैं? 50 नेकियां। बड़ी मेहरबानी, कितनी नेकियां मिलती हैं? मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं? अब सबको सबक सुनाना, खालिद जावेद करीमी साहब ने सुना दिया। मैं सजदा करूं, अरे मैं या के दिल को संभालूं? मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है और हर पगड़ी हुई बात बनती है मदीने में, क्यों गमखार जात है मोहम्मद की मदीने में। हुसैन पाक ने फरमाया MBBS जिस डॉक्टर ने किया हो ना, MBBS पढ़े लिखे और LLB होती तालीम वकालत की, इंजीनियर के बाद इंजीनियर बंदा बनता है, FSC के बाद या IC के बाद दीगर कोर्स करता है, MBBS किया मेडिकल जिसने किया हो, 5 साल उसके बाद कोर्स होते हैं, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, पढ़ी लिखी बात है, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नीचे से चीज खाओ तो डॉक्टर कहते हैं जरासीम लग जाएंगे, ऐसी बात है। अब मैं हुसैन पाक के दर पर लेकर जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, आपने फरमाया, नवासा रसूल ने आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम है लोगों, जो शख्स जमीन पर से चीज उठाए, रिज़्क़ हलाल उठाए, फरमाया उसे साफ करके खा ले, रब्बे कायनात की जात उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता। कत्ले हुसैन, असल में मर के यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, पहली बात। दूसरी बात, मौला अली से एक हिंदू ने सवाल किया, उसने है होशियार चलाक था, हिंदू था ना, आपसे पूछा कि ये बताएं कि हिंदू लोग मुर्दों को जलाते हैं और मुसलमान मुर्दों को दफनाते हैं, वजह क्या है? लामा साकिब शहजाद साहब से कुछ सवाल कर ले, पढ़े लिखे हमें इस्लामियत किया हुआ है दरसे निजामी के साथ, इनसे सवाल कर ले, खतीब साहब हु इज द स्मार्ट बॉय, ये इसके आंसर में कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द स्मार्ट बॉय। हिंदू ने सवाल में कहा कि खजाने को, कचरे को जलाया, ये बताएं दफनाते हैं, हम जलाते हैं और आप दफनाते हैं, क्या राज की बात है? आपने फरमाया कि कचरे को जलाया जाता है, खजाने को छुपाया जाता है। मैं नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले, अरे सुन के खुश होते हैं खुदा वाले, बात होती है जब करबला की, बात होती है जब शहादत की, याद आते हैं करबला वाले। इसी अशार पर हमारे मेहमान बड़े खूबसूरत मोहम्मद आकिब रजा वहीदी साहब आप आते हैं और हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह के अंदर इंशाल्लाह वक्त में इंशाल्लाह अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आपसे मुंतमिज हूँ, आप तशरीफ लाएं, नारा लगाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। दरूद पाक बाबा से बुलंद पर सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, पूछेंगे सभी
हशर में के सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हशर में के सरकार कहाँ है, तो फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ है, तो फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ हैं। और परवानाए जन्नत लिए ढूंढे फरिश्ते परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते के औलाद पयंबर के वफादार कहाँ हैं। मिलके बाबा दे बुलंद रूशे पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसैन पा के कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा हो लाह इल्लल्लाह खुदी का सिर निहा लाह इल्लल्लाह हो लाह इल्लल्लाह खुदी ला इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु
कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बाराहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे पुत है जमात की आस तीनों इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमारे भाई अपनी आदरी लिखवा रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। और हमारे मेहमान खसूसी नाथ खान पीर मोहम्मद हुसैन रजा वहीदी नक्शबंदी साहब, आप तशरीफ़ लाए। हम आपको किबलाकारी साहब की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, अहले मोहल्ला की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह करीम आपके इल्म अरफान में बरकतें अता फरमाए। अब थोड़ा सारा एक दो मिनट की हाजिरी है, आप सुभान अल्लाह जरा बोले। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, अरे हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और खतरा नहीं मुझे किसी सवाल का, हाँ भाई मैं हूं दीवाना मोहम्मद की हाल का। और इज्जत से ना मर जाएं हम नामे मोहम्मद पर, वैसे भी तो दुनिया से एक दिन तो जाना है। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कत्ले हुसैन, असल में मर के यजीद, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इसी अशार पर मेरी मुराद बुलबुल बागे मदीना मदाई हबीब के मकबूल सना खान, बड़ी खूबसूरत सना खान पीर मोहम्मद हुसैन रजा वहीदी नक्शबंदी साहब आते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह के अंदर अपनी हाजिरी लगवाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हौसिया हुसैनियत यजीदियत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाल्लाह। दुरूद पाक सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका वसहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह।